प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद पहुंचे गोरखपुर, विभिन्न कार्यक्रमों में लिया भाग। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, बुधवार को गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। सीएम योगी ने किया 464 करोड़ रुपए की लागत वाली 208 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। कहा, नियमित समय और संयमित जीवन से बदला यूपी के प्रति परसेप्शन। विकास परियोजनाओं का लाभ सबको, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र को, लेकिन कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं। नियत साफ हो तो मिलता है विधाता का भी साथ, संविधान के प्रति आग्रही बनाता है कानून का सम्मान। भाजपा के बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत सीएम ने शहर विधानसभा क्षेत्र के राप्ती नगर मंडल के 5 बूथों की समीक्षा। बूथ पदाधिकारियों से भाजपा के कमजोर रहने के कारणों की ली जानकारी। कहा, बूथ पर सक्रियता बढ़ाकर भाजपा को करें मजबूत। बूथ पदाधिकारियों अपने बीएलओ से मतदाता सूची को कराएं अद्यतन। हर लाभार्थी और आम लोगों से पार्टी कार्यकर्ता बढ़ाएं संवाद। बेमिसाल है गोरक्षपीठ की गुरु शिष्य परंपरा। गोरक्षपीठ और गुरु पूर्णिमा का है अटूट नाता। पीढ़ी दर पीढ़ी गोरक्षपीठाधीश्वरों ने अपने गुरु से प्राप्त लोक कल्याण की परंपरा को किया है विस्तारित। गुरु परंपरा के प्रतीक के तौर पर पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित है गोरक्षपीठ। फरार अभियुक्त शमशेर के घर पर लाउडस्पीकर से अनाउंस करके बांसगांव पुलिस ने किया नोटिस चस्पा। एसपी साउथ ने कहा, अगर अभियुक्त न्यायालय में नहीं करता है आत्मसमर्पण तो न्यायालय से आदेश लेकर मकान की कुर्की की जाएगी कार्यवाही। गोंडा पीएससी से आए 250 रिक्रूट की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड पर दीक्षांत परेड का किया गया आयोजन। एडीजी जोन अखिल कुमार ने ली पासिंग परेड की सलामी। आरक्षियों को संयुक्त रूप से पद एवं कर्तव्यों का कराया शपथ ग्रहण। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना। कच्ची शराब के एक व्यापारी को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 500 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 3 किलो यूरिया, 2 किलो नौसादर व 1 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का किया वितरण। कहा, 2017 के बाद समाज के हर एक व्यक्ति को योजनाओं का मिल रहा है लाभ। और गुरुवार को श्रावण पर जनपद के सभी मंदिरों की ड्रोन कैमरे से की जाएगी निगरानी। मंदिरों पर पुलिस कर्मियों की लगाई जाएगी ड्यूटी। एसपी सिटी ने दी जानकारी।